स्टूडेंट्स, आई एम शशिकला वर्मा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 10. द चैप्टर नेम इज इन द स्काई फ्रॉम योर ईवीएस बुक. सो स्टूडेंट, द चैप्टर नेम इज इन द स्काई मीन्स आसमान में. किस में? इसकी मीनिंग है आसमान में, है ना. आज हम स्काई के बारे में पढ़ेंगे कि स्काई में हम क्या क्या देख सकते हैं, हमें क्या क्या दिखाई देता है, स्काई किस कलर का होता है. सो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे. लुक एट दिस पिक्चर. देख रहे हैं कि ये आसमान कैसे है. स्काई मीन्स होता है आसमान. तो किस कलर का है? आसमान नीला है. आप सब बच्चे स्कूल में तो नहीं हैं, बट मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने घर से बाहर निकल कर के देखिए ऊपर की तरफ, तो आपको आसमान दिखाई देगा, है ना. और वह आसमान किस कलर का है? ब्लू कलर का है. तो आसमान आपको किस कलर का दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है. और जैसे कि ये डे टाइम है. कौन सा टाइम है? डे टाइम है, दिन का समय है. तो दिन के समय में आपको आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? सूरज दिखाई दे रहा है, मीन सन, ना. तो आप दिन डे टाइम में आप सन देख सकते हैं कहाँ पर? आसमान में. और ठीक है, तो इस तरह से आज हम आपके इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट टू गेट रेडी. कलर दीज ऑब्जेक्ट्स वी सी इन द स्काई. यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए ये देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट सन है एंड देन सेकेंड मून है, ठीक है. तो आपको क्या करना है? इन ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से? सन और मून, इन्हें क्या करना है? आपको कलर करना है. अब यह किस कलर के होते हैं? ये आप तो देख सकते हैं आसमान में, ठीक है. तो ये जिस कलर के हैं, आपको ये ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज ड्यूरिंग द डे, है ना. पहला टॉपिक है आपका ड्यूरिंग द डे, मीन्स दिन का समय. अब डे टाइम मीन्स डे टाइम. तो अब हम डे टाइम में क्या क्या देखते हैं, कैसा होता है आसमान, ये देखते हैं. द स्काई इज वेस्ट. वेस्ट मीन्स विशाल, मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा, जिसका कोई अंत नहीं. तो आसमान क्या है? बहुत बड़ा है. द स्काई इज वेस्ट. इट इज़ ब्लू इन कलर. यह नीले कलर का है. यह इतना बड़ा है कि आप जहाँ भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, यह आपको आसमान दिखाई देगा और यह खत्म होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, है ना. ये और आप इसका यह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा है, ठीक. तो यह क्या? यह हमारा आसमान जो है कि बहुत बड़ा है और यह नीले कलर का है. वी सी द सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. और तो और हम दिन के टाइम, जब दिन का समय होता है, तो हम डे टाइम में क्या, हम सन को इजीली देख सकते हैं, है ना. कि यह सन निकला हुआ है ना आसमान में, सूरज है. बट आप अपनी ये जो खुली आंखें होती हैं विदाउट ग्लास के, आप नहीं देख सकते हैं. वैसे कौन सा ग्लास होना चाहिए? डार्क ग्लास, तभी आप सन को बहुत ईजिली से देख ईजी तरीके से देख सकते हैं. बाकी अदरवाइज आप नहीं देख सकते, क्योंकि सन बहुत तेज शाइन करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सन, ठीक है. अब हम सन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे. वी कैन सी द सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. आप सब जानते हैं, जैसे कि मैं अभी बताई हूँ, कि दिन के समय हम सब क्या, आसमान में सन को देख सकते हैं. द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. सन क्या है? एक आग का बहुत बड़ा गोला है. सन क्या है? एक आग का बहुत बड़ा गोला है. इट इज वेरी हॉट. अच्छा, ये बताइए यह कैसे होता है? यह बहुत गर्म होता है. क्यों? ये बताइए, सन जो है हमसे कितना दूर है. उसके बाद भी जब सन शाइन करता है और उससे जो लाइट निकलती है, वह हमको कितना हीट देती, कितनी गर्मी प्रदान करती है, है ना. तो ये बताइए, जब हम उसके पास जाएंगे, सन के पास, तो हम तो जल ही जाएंगे. सन के पास हम पहुँचने से पहले ही जल जाएंगे. क्यों? क्योंकि सन जो है एक आग का गोला है. और यह सन हमें क्या क्या देता है? इससे हमें गर्मी और लाइट दोनों ही चीज़ें मिलती हैं. इट राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. और
सन जो है वह कहाँ से निकलता है, वह पूर्व दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से, और वेस्ट मीन्स ढलता है, मीन्स जहाँ पर डूबता है, तो किस दिशा में डूबता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। तो आप बहुत अच्छे से आपने सूरज के बारे में पढ़ा कि सन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लाउड। क्लाउड मीन्स आप सब जानते हैं बादल, ये देख रहे हैं आपका, है ना, ये ब्लैक कलर का आपको बादल दिखाई दे रहा है। समटाइम्स वी सी क्लाउड्स ड्यूरिंग द डे। आप देखेंगे कि जैसे कि अभी तो धीरे धीरे हमारी ठंडी अब जा रही है, है ना, ठंडी के बाद गर्मी आएगी एंड देन गर्मी के बाद बरसात आता है, है ना, मीन्स रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में जनरली हमें क्लाउड देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे जैसे धीरे धीरे यह टाइम बीतता जाता है, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि हमें आसमान में दिन के टाइम पर क्लाउड भी दिखाई देता है, है ना। क्या दिखाई देता है? क्लाउड। क्लाउड मीन्स बादल। हम दिन के समय हम आसमान में बादल को भी देख सकते हैं। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और जो काले बादल होते हैं वह हमें क्या देते हैं? बरसात, है ना, वह वर्षा करते हैं। जो काले काले घने बादल होते हैं, जो बहुत काले होते हैं, वह क्या क्या करता है? वर्षा लाता है, मीन्स रेनी रेन होती है हमारे यहाँ पर अर्थ पर। एंड देन है फार्मर्स एंड हैप्पी टू सी दैम, और जब फार्मर्स मीन्स किसान, जो किसान होते हैं, जब देखते हैं कि पानी बरस रहा है तो वह बहुत खुश होते हैं। रीज़न क्या है खुश होने का? क्योंकि जब बरसात होती है तो उन्हें अलग से पानी नहीं लगाना पड़ता और वो जो फार्मिंग करते हैं वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है रेनबो, ठीक है। अब जैसे क्लाउड आया, क्लाउड की अब धीरे धीरे देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आप रेनबो को भी आसमान में देख सकते हैं। तो समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन। यह कब हमें रेनबो देखने को मिलता है? रेनबो देखने को कब मिलता है? जब बरसात हो जाती है, मतलब बरसात के बाद, बरसात का सीज़न, मतलब रेनी सीज़न ख़त्म होने के बाद नहीं, रेनी सीज़न के टाइम पर ही हमें रेनबो आसमान में देखने को मिलता है, ठीक। इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। यह कितने कलर से बना हुआ होता है रेनबो? 7 कलर से बना हुआ होता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि अभी आप डे टाइम में क्या क्या देखते हैं? सन देखते हैं, सन देख सकते हैं, क्लाउड देख सकते हैं, रेनबो देख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हमने आज से ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉट्स। हॉट्स में है द सन इज अ स्टार बट इट लुक्स बिगर दैन अदर स्टार। सन क्या है? एक स्टार है। सन को भी हम एक तारे के रूप में, मतलब एक बहुत बड़ा तारे के रूप में जानते हैं ना। सन भी क्या है? एक स्टार ही है। बट इट लुक्स बिगर देन अदर स्टार, लेकिन यह दूसरे स्टार से क्या दिखता है? हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। वॉट मे बी द रीज़न? तो बताइए इसका रीज़न क्या है कि और स्टार्स जब आप रात के समय देखते हैं, जो स्टार्स होते हैं वह हमें बहुत छोटे, बहुत टिनी 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 दिखाई देते हैं ना, बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। बट यदि सन भी स्टार है तो यह हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? इसका रीज़न क्या है? द सन लुक्स बिगर दैन अदर स्टार्स एज इट इज़ द क्लोजेस्ट टू अस, है ना। सन जो है वह भी दूसरे स्टार्स की तरह, वह भी स्टार है लेकिन वह बहुत बड़ा है, है ना। उसका रीज़न यह है कि यह सन जो है यह हमारे बहुत करीब है, हम लोगों के बहुत पास में है, इस वजह से यह सन जो है वह हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्यूरिंग द नाइट। जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था ड्यूरिंग द डे, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूरिंग द नाइट। द स्काई लुक्स डिफरेंट ड्यूरिंग द नाइट। क्या बोल रहा है? स्काई जो है, आसमान जो है, रात के समय जो है बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, बिल्कुल अलग दिखता है। जिस तरह से दिन होता है जस्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है, वह बहुत ही अलग दिखता है। रात के समय हमें आसमान और भी सुंदर लगता है ना। क्यों सुंदर लगता है? क्योंकि
आसमान में हमें मून भी दिखाई देता है और बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे भी दिखाई देते, मीन्स स्टार्स भी दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग द नाइट है आपका नेक्स्ट टॉपिक द मून। अब हम रात के समय हमें क्या क्या दिखाई देता है आसमान में, मून और स्टार्स। तो सबसे पहले टॉपिक में हम मून के बारे में पढ़ेंगे। द मून अपीयर्स एट नाइट व्हेन द सन सेट्स। क्या होता, मून हमें कब दिखाई देता है, जब सूरज डूब जाता है, जब सूरज डूबता है और फिर उसके बाद रात होती है तब हमें स्टार्स दिखाई देते हैं, सॉरी मून दिखाई देता है। कब, रात के समय। जब सूरज ढल जाता है तब दिन, रात में क्या कौन आता है, मून आता है। इट इज़ नॉट एज हॉट एंड बिग एज द सन। यह कैसा है, ना तो यह बहुत गर्म है, ना तो यह गर्म है और ना ही यह सूरज की तरह बड़ा है, है ना, सूरज के जैसे यह बड़ा नहीं है। इट चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। और यह जो मून होता है यह हर रात में, जब भी नेक्स्ट आपकी जो दूसरी रात होती है वह हर नाइट में मून का जो साइज़ है ना, उसका सॉरी जो शेप है वह चेंज होते रहता है ना, कभी बहुत बड़ा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल पतला दिखाई देता है। तो इस तरह से मून का जो शेप है चेंज होते रहता है। समटाइम्स इट इज़ राउंड। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यह पूरा गोल दिखाई देता है ना, यह पूरा गोल है। समटाइम्स इट इज़ हाफ इट्स साइज। और कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद आप देखेंगे, कुछ दिनों बाद, कुछ और नाइट्स जब चली जाएंगी तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि यह मून जो है अपने साइज के हाफ में दिखाई देता है। एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट सीन एट ऑल। और कुछ टाइम बाद तो आप देखेंगे कि यह दिखाई ही नहीं देता है। तो इस तरह से मून का जो शेप है वह चेंज होते रहता है, कभी हाफ दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता और कभी पूरा फुल मून दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये नाइट का टाइम देख रहे हैं, ठीक, इसमें स्टार्स भी दिख रहे हैं आपको, क्लाउड भी हल्के हल्के दिख रहे हैं, है ना, वो भी लाइट कलर में, एंड देन स्टार्स भी, स्टार्स, मून एंड क्लाउड, ये सब सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि डे में और नाइट में कितना डिफरेंस है ना। डे में पूरा आसमान नीला होता है, रात को पूरा आसमान आपको है ना काला दिखाई देने लगता है, डार्क ब्लू में दिखाई देने लगता है वैसे तो आपको, ठीक, क्यों, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टार्स। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये स्काई है, स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन सी मैनी ब्राइटली शाइनिंग स्टार्स इन द क्लियर स्काई। आप जानते हैं कि जब रात होती है और रात में जब स्टार्स दिखती तो कैसे दिखाई देते हैं, यस, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि यह स्टार्स बहुत ही सुंदर और यह चमकते ही बहुत ही चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं यह, है ना, और बिल्कुल आसमान पूरा क्या होता है, साफ होता है, उस नीट एंड क्लीन स्काई में पूरा क्लियर जो आसमान होता है उसमें जो छोटे छोटे स्टार्स दिखाई देते हैं, सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज। स्टार्स जो होते हैं वह बहुत बड़े होते हैं, आपके सन और मून से भी बड़े होते हैं, बट वह हमें छोटे क्यों दिखाई देते, दे लुक्स टिनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, है ना, वे हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वह हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। जिस तरह से सन और मून हमारे पास हैं, है ना, उस तरह से वह हमारे पास में नहीं है, वह हमसे बहुत दूर हैं, इसी कारण, इसी वजह से वह बहुत छोटे दिखाई देते हैं, अदरवाइज वह बहुत बड़े हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून वेयर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्डन। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले मून पर कौन सा व्यक्ति गया था, कौन आदमी गया था,
वह कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। ये जो मून आप आसमान में देख सकते हैं, इसी मून पर जो दो व्यक्ति गए थे वह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। ये सबसे पहले मून पर गए थे, ठीक है, और वहाँ से चंद्रमा की मिट्टी भी लेकर के आए थे धरती पर। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका क्लास असाइनमेंट, इसे ये आपको कंप्लीट करना है। टिक द थिंग्स दैट वी सी ओनली नाइट, ओनली इन द नाइट स्काई। आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि सन है, स्टार है और मून है, ठीक है। तो आपको इनमें टिक लगाना है, किनमें टिक लगाना है? जो नाइट के समय आपको दिखाई देते हैं, मतलब जिन्हें आप रात को देख सकते हैं। तो क्या आप सन को देख सकते हैं? नो। स्टार्स को देख सकते हैं? यस। हम स्टार्स को डे टाइम में देख सकते हैं, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है मून, हम मून को भी नाइट के टाइम देख सकते हैं, इसलिए हम इसमें भी टिक लगाएंगे। बट सन को हम डे टाइम में नहीं देख सकते, इसलिए हम इसमें क्रॉस लगाएंगे। ओके, ये हैं चैप्टर 10 के आपके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट गिव्स अस हीट एंड लाइट? हमें किस चीज से हीट और लाइट मिलती है? व्हाट गिव्स अस हीट एंड आंसर इज द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन जो है हमें हीट और लाइट देता है। हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो हैव? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो हैव? द रेनबो इज अ मेड ऑफ 7 कलर्स। रेनबो क्या है? वह 7 कलर्स से बना हुआ होता है। व्हाई डू स्टार्स लुक सो टीनी? स्टार्स इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? स्टार्स लुक टीनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। स्टार्स हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस चैप्टर एंड दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, दीज आर क्वेश्चन आंसर्स। सो आपको इन क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज जो है आपको इसे लर्न करना है। नेक्स्ट आपका एनुअल एग्ज़ाम होना है, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको करते जाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।